हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब लोगों के लिए ऑनर ऑफ किंग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी पहले वाली एपिसोड्स को नहीं देखी तो भाई जल्दी से देख लें, तभी जाके तो आप लोगों को आज वाली स्टोरी का ठीक से पता चल सकेगा। तो बगैर किसी देरी के इस वाली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ली भाई जो कि अटाइनी टेंपल के सीक्रेट रैलम में पहुंच चुका था। वहां पर उसकी मुलाकात डी रानजी से हुई थी। पहले तो उनके दरमियान बहुत ही जबरदस्ती फाइटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद क्वीन की ऑर्डर के बाद वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। साथ ही साथ लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने शेंगवान को भी देखा था जो कि ली भाई की मदद कर रही थी ताकि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि काफी ज्यादा रिसर्च के बाद उन लोगों को इस बात का पता चलता है कि जिन डीमंस ने द ब्रोकन मून सिटी को डिस्ट्रॉय किया था वही डीमंस अब शेंगवान सिटी को भी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। उसी वक्त यहाँ पर हमने एक लड़की लुशियन को भी देखा था जो कि चेंगान सिटी में एंटर हुई थी ताकि वो अपनी टेक्निक को यूज करते हुए इस सिटी को भी बर्बाद कर सके। तो अपनी आज की एपिसोड का आगाज भी हम लोग इसी वाले सीन से करेंगे कि जैसे ही उन तीनों को इस बात का आइडिया होता है कि अब चेंगान सिटी भी बर्बाद होने वाली है, वो तीनों वहाँ से फौरन से भागते हैं। वो तीनों फौरन से अपने घोड़ों के ऊपर सवार होते हैं और साथ ही तमाम वॉरियर्स भी उनके पीछे अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और सभी एक टीम बना के वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो चेंगान सिटी का विजिट कर सकें। लेकिन यहाँ पर तो उन्हें सिटी में हर जगह पिन ड्रॉप साइलेंस ही नजर आ रही थी। उसी वक्त अचानक उन्हें एक पिजन दिखाई देता है जो कि उड़ता हुआ आता है, लेकिन वो एकदम से फ्रोजन होकर टूट जाता है और साथ में ही एक आदमी भी भागा हुआ आता है और उसके ऊपर भी एक ग्रीन कलर की स्मोक इफेक्ट कर रही थी जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रोजन होना स्टार्ट होता है और फिर देखते ही देखते वो एक बर्फ में तब्दील हो जाता है। अब ये देख के तो वो सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अटैनी टेम्पल की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो टेम्पल की हदूद में पहुँचते हैं तो वहाँ पर तो हर एक चीज फ्रोजन हो चुकी थी। उसी वक्त यहाँ पर हमें आसमान पर एक बटरफ्लाई फेरी जैसी एक चीज को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उड़ रही थी और वो ग्रीन कलर की स्मोक को निकाल रही थी। अब उस ग्रीन कलर की स्मोक की वजह से तो हर एक चीज फ्रोजन में तब्दील हो रही थी, बेशक वो कोई इंसान हो या कोई दरख्त हो। दूसरी तरफ हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन अपनी बालकनी में जाती है, लेकिन जैसे ही वो आसमान की तरफ देखती है तो वहाँ पर हर एक चीज उन्हें फ्रोजन नजर आती है। जबकि दूसरी तरफ हम लीबाई को देखते हैं जो कि बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो उन ग्रीन वेव्स के साथ बच सकें। चेंगान सिटी के सभी लोग उन ग्रीन वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। हर एक जगह पर बस रोना धोना मचा हुआ था और कुछ लोग तो क्रिस्टल्स में तब्दील होते जा रहे थे। ये देख के तो यहाँ पर छोटा प्रिंस भी पीछे नहीं रहता और वो अपनी रोलिंग सॉर्ट के साथ उसके ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से उसके पार टूट तो है लेकिन वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं होते। उसके बाद लीबाई आगे बढ़ता है और हर एक चीज के साथ अटैक करता हुआ उड़ता हुआ एकदम से जाके उसके पार के ऊपर बैठ जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। उस अटैक की वजह से तो उस फेरी के कुछ पर टूटना शुरू हो जाते हैं जो कि क्रिस्टल्स की तरह नीचे बिखर रहे थे। जैसे ही वो पर आहिस्ता आहिस्ता टूटते हैं तो बीच में से एक लड़की निकलना शुरू होती है। लीबाई यहाँ पर जैसे ही उस लड़की को देखता है तो वो तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह चुका था क्योंकि वो और कोई नहीं, वो लुयन थी जो कि एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी डांसिंग गर्ल थी और जिसकी आंखें भी खराब थी और जिसके बारे में तो डीरान जी ने बताया था कि एक बहुत ही पोवर सी लड़की है जो कि डेजर्ट्स में से आई है और डांसिंग के जरिए अपना पेट पालती है। उसी वक्त जैसे ही लीबाई उसको देखता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन लीबाई को उसको देखते ही काफी गुस्सा आने लगता है कि इस लड़की ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। अब ये सोचते हुए तो वो उसके क्रिस्टल के ऊपर और भी जोर जोर से अपने सॉर्ट के साथ वार करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो वार कर रहा था तो उसका क्रिस्टल टूटता जा रहा था, लेकिन क्रिस्टल के अंदर मौजूद वो लुयन बुरी तरह से हर्ट हो रही थी, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर रहा था बल्कि बुरी तरह से अपनी सॉर्ट को चलाए जा रहा था। अचानक ही उसके जोरदार वार की वजह से वो क्रिस्टल टूट जाता है और टूट के टुकड़ों में बिखर जाता है। ये देखते ही लुयन नीचे गिर जाती है और लीबाई फौरन से उसके पास आके बैठ जाता है। तो लुयन उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली की वजह से कर रही हूँ, लेकिन मुझे कंट्रोल करने वाला कोई और ही है। ये बात सुन के तो लीबाई काफी ज्यादा गुस्से में आता है और उसे कहता है कि कौन है वो। तो लुशियन उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसके बाद देखते ही देखते उसकी सोल बहुत ज्यादा बटरफ्लाईज में तब्दील हो जाती है और वो आसमान की तरफ उड़ जाती है, जबकि लीबाई तो उसे रोकता ही रह जाता है। उसी वक्त एक प्यारी सी बटरफ्लाई आके उसके हाथ पे बैठ जाती है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसीलिए वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। वो तमाम लोग जो क्रिस्टल में तब्दील हो चुके थे अब उनकी सोल्स भी आसमान की तरफ उड़ना शुरू हो जाती हैं और हर जगह पर बस तबाही और बर्बादी नजर
नजर आ रही थी। लीबाई जैसे जैसे आगे जा रहा था तो उसे इमेजिनेशन में डीरान जी नजर आ रहे थे और साथ में उसे डीरान जी भी नजर आ रहे थे जो कि उसे ये कह रहे थे कि ये लड़की बहुत ही मासूम और प्यारी है। उसी वक्त वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे इमेजिनेशन में लुयन भी नजर आती है जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था तो उसे इमेजिनेशन में वो सब लोग नजर आ रहे थे। उसी वक्त लीबाई को वो सभी बातें याद आने लगती है, वो सभी लोग जो की उसके पास में हो चुके हैं और अपनी ब्रोकन मून सिटी के बारे में भी उसे याद आने लगता है। तो लीबाई खुद से कहने लगता है कि मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने अपने ब्रोकन मून सिटी के बारे में एक पोएम लिखी थी। उसी वक्त वो उस पोएम के वर्ड्स के बारे में याद करने लगता है जहाँ पर उसने ये कहा था कि बारिश में लैंप नहीं उड़ सकते, हवा जो कि उड़ते हुए लैंप्स का कलर और ज्यादा ब्राइट कर देती है, और अगर तुम उड़ना शुरू करो तो तुम आसमान की बुलंदियों तक पहुँच सकते हो और तुम चांद और सितारों को भी छू सकते हो। तो लीबाई यहाँ पर इमेजिनेशन में खो जाता है और उसे याद आता है कि मैंने एक पोएम लिखी थी जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते और अभी उस पोएम को मैं मुकम्मल नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं किसी के भी ट्रैप में नहीं आने वाला और अब इन सारी बातों का मुझे खुद ही दरियाफ्त करना होगा। फिर से लॉर्ड ऑफ फ्यूचर उसकी इमेजिनेशंस में आते हैं और फिर से हवा में उसे लैटिन उड़ती हुई नजर आती हैं और फिर से उसे याद आता है कि लॉर्ड ऑफ फ्यूजी ने उससे कहा था कि क्या तुम जानते हो कि तुम बाकी सब लोगों से अलग क्यों हो, और जब तुम छोटे ही थे तो तब से ही तुम में ये टैलेंट है कि तुम पोएम्स लिख सकते हो और अपनी हर एक बात को पोएम्स के जरिए बयान कर सकते हो और इसी के साथ ही तुम अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाओगे। लीबाई तो यहाँ पर चलता जा रहा था और एकदम सिटी के टॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे फिर से बहुत ज्यादा ग्रीन फेरीज उड़ती हुई नजर आती है और उन ग्रीन बटरफ्लाइज की वजह से बहुत ज्यादा ग्रीन कलर की एनर्जीज भी फ्लो हो रही थी जिसने पूरी सिटी को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ था। उसके बाद सामने हमें टाइनी टावर भी नजर आ रहा था जिसके ऊपर ग्रीन बटरफ्लाइज उड़ रही थीं। उसी वक्त दोबारा फिर से उसे उसी पोएम की आवाज आने लगती है जो कि उसको लॉर्ड ऑफ फ्यूजी ने सुनाई थी और साथ ही साथ उस ग्रीन टावर के ऊपर एक ग्रीन कलर का बॉल भी था जिस बॉल के अंदर से हमें लॉर्ड ऑफ फ्यूजी नजर आते हैं जो कि लीबाई के सामने उस वाली पोएम को बोल रहे थे और उसी वक्त वो एक लॉकेट निकाल के दिखाते हैं जिसमें ग्रीन कलर की बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात का पता चलता है कि हर एक बात के पीछे तो यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी का हाथ था जो कि उसके दोस्त बने हुए उससे सभी राज उकलवाए जा रहे थे। उसी वक्त हमें चाउस टावर के ऊपर से काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होती नजर आती है जो कि सीधा आसमान की तरफ जाती है। अब ये देखते हुए तो नीचे खड़े हुए सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर शेंगवन लीबाई के पास आती है और उसे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इन एनर्जीज को रोकना हमारे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन होगा, इसीलिए मैं पैलेस जाना चाहती हूँ। तो लीबाई उसे कहने लगता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, तो वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तो वो कहने लगता है कि नहीं मुझे किसी को एक पोएम सुनानी है। ये कहकर तो लीबाई फौरन से उड़ना शुरू कर देता है और सभी खतरात का मुकाबला करता हुआ उड़ते उड़ाते हुए एकदम से वो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के सामने जा खड़ा होता है। तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे देखते हुए बड़े स्टाइल से कहने लगते हैं कि फाइनली लीबाई तुम यहाँ पर आ ही गए हो, देखो ये सिटी कितनी प्यारी लग रही है, चेंगान सिटी में तो अब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उसकी बात सुन के तो लीबाई फौरन से अपनी शॉट निकाल लेता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। अब यहाँ पर तो उसकी शॉट के वो बिल्कुल पास से गुजर जाता है और उसे कहने लगता है कि लीबाई इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो लीबाई उसे कहने लगता है कि तुमने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है और बहुत ज्यादा मासूम लोगों की जाने ले रहे हो, ये सब कुछ फौरन से पहले स्टॉप करो। लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कहने लगता है कि कहाँ पर है बर्बादी, मुझे तो यहाँ पर कोई बर्बादी नहीं नजर आ रही, और अगर ये सब लोग बर्बाद होंगे तभी तो मैं खूबसूरत सी सिटी बना सकूंगा ना। तो लीबाई उसे कहने लगता है कि क्या मासूम लोगों की जान लेकर तुम एक खूबसूरत सिटी बना सकते हो। ये कहकर लीबाई उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करने की कोशिश करता है और यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी पीछे नहीं हटते और अपनी शॉट लेकर उड़ते हुए उसके सामने आ जाते हैं। और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कह रहे थे कि एक खूबसूरत सी दुनिया बनाने के लिए तो इन सब लोगों का खात्मा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसकी बात सुन के तो लीबाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपनी शॉट के साथ उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी अपने आप को ग्रीन कलर के एक बॉल में प्रोटेक्ट कर लेते हैं और उस बॉल में खड़े होकर भी वो उसे यही कहे जा रहे थे कि तुम एक बहुत ही अच्छी पोएम्स लिख सकते हो और क्या ही हो अगर हम इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दें, उसके बाद फिर हम अपना एक नया जहान बनाएंगे जिसमें बस खूबसूरती ही खूबसूरती होगी और हर जगह पर बस तुम अपनी पोएम्स लिख सकोगे और वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारा होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा बड़ा तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम लीबाई को देखते हैं जो कि अपने शॉट के साथ उसके बॉल के ऊपर मुसलसल अटैक किए जा रहा था। उसी वक्त उसके एक जोरदार अटैक की वजह से वो बॉल बुरी तरह से टूट जाता है और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी नीचे गिर जाते हैं। लीबाई यहाँ पर अपनी तलवार ताने हुए लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के ऊपर खड़ा था
तो लॉर्ड ऑफ फ्यूचर से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे भाई को मेरा दिया हुआ तोहफा इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। ये कहकर वो अपने ग्रीन बटरफ्लाई की पावर को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से वो सॉर्ट जो कि उसके ऊपर तनी हुई थी एकदम से क्रिस्टल में तब्दील होना शुरू हो जाती है और लीबाई भी क्रिस्टल में तब्दील होना शुरू हो जाता है। लीबाई तो ये देखते बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और एकदम से ही लीबाई गिरना शुरू कर देता है और गिरते गिरते वो द ब्रोकन मून सिटी में पहुंच जाता है, जहां पर उसे हर एक चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा टेम्पल भी नजर आता है। अब ये सब चीजें देख के तो लीबाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था और आगे चलना शुरू कर देता है। उसी वक्त वहाँ पर लोगों की भीड़ में उसे लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी नजर आते हैं, जो कि उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और अपनी डेविलिश आइज के साथ उसको घूरना शुरू कर देते हैं। अब लीबाई तो यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी का मुकाबला कर पाएगा या नहीं, इस बात का अंदाजा तो अब हमें अगली एपिसोड में ही होगा, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वाली वीडियो को जल्दी से एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।